वापस आते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो हम बात कर रहे थे इम्पेयरमेंट क्या है, इट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट विद इट्स रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, हमने बात की कैरिंग अमाउंट क्या है जी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करें, मीन्स कि ये वो अमाउंट है जो हमारी बुक्स हमें देती हैं, हमारी बुक्स हमें बताती हैं कि इस वक्त ये एसेट हमारी नजर में कितने का है, और हम इसको कंपेयर करते हैं किस किस के पास इसकी रिकवरेबल अमाउंट के साथ। ठीक है जी, तो ये बताता है कि दिस इज द हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी फेयर वैल्यू क्या है, लेकिन डिस्पोजल के ऊपर कॉस्ट भी तो आएगी, जब आप चीज बेचते हो तो उसके ऊपर भी आपका खर्चा आता है, डिफरेंट तरह का आता है, आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है उसको, छोटी मोटी रिपेयरिंग बाज का करवानी पड़ती है, ठीक है, बाज औकात एक खास शक्ल में लाना पड़ता है चीज को, तब वो बिकती है, जो भी वो खर्चे हैं उनको उसमें से लेस कर दें, और या फिर इट्स वैल्यू इन यूज, इनमें से जो हायर है उसको हम लेंगे। ठीक है जी, दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट एसेट्स शुड नॉट बी कैरीड एट अबव द रिकवरेबल अमाउंट। ये वो कहते हैं असूल है, और ये कॉमन सेंस की भी बात है, अगर उनकी वो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो नहीं है जो हमने बुक में लिखी हुई है, तो हम खुद कोई बेवकूफ बना रहे हैं ना। बिल्कुल, तो इसलिए वक्तन फोक्तन एंटिटी जो है उसको चाहिए कि वो इम्पेयरमेंट टेस्ट जो है वो करती रहे। ठीक है, एन एंटिटी शुड राइट डाउन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज नॉट रिकवरेबल इन फुल। जितनी आपने सोची है ना, आपका ख्याल था कि 50 रुपए है, लेकिन है कितनी, 45 है। ठीक है, तो आप जनाब उसको काम करके 45 पे ले आएंगे अपनी कैरिंग अमाउंट को। ठीक है, IAS 36 puts in place a detailed methodology of carrying out impairment reviews and related, यानी कि पहले रिव्यू करेंगे, अगर वो जरूरत होगी तो आप उसको कैरी ऑन करेंगे, इम्पेयर करेंगे उस चीज को, और उसके हिसाब से ये हमें ट्रीटमेंट भी बताता है और डिस्क्लोजर्स के बारे में भी बताता है। सर मैं एक क्वेश्चन मेरा है दर पे, कि ये नंबरिंग याद रखना जरूरी तो नहीं ना आईएसएस की? नहीं नहीं, ये जरूरी को नहीं, लेकिन एक सेंस में बंदा कह सकता है कि जरूरी है कि कितने कंसंट्रेशन होती है ना चीज को पढ़ते वक्त, तो अगर बंदे को आईएस 36 इम्पेयरमेंट ही याद नहीं है ना, तो दैट मीन्स कि वो पूरे नहीं नहीं, अगर बंदा लिख दे आईएस इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स 36 बात है, एक ही बात है, और आपके बुक तो आपका एग्जाम तो रिक्वायर ही ना करता किसी भी जगह पे, बेसिकली ये जहां तक मुझे याद है अपने अटेम्प्ट भी, कि ये रिक्वायर नहीं हमसे किया जाता कि ये किस आईएएस की बात हो रही है। हाँ, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट वो तो मुझे याद रहेगा, लेकिन बेहतर है कि आपको आईएएस 36 जो है इस नाम से याद रहे कि आईएएस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक जी बच्चे, नेक्स्ट है स्कोप, इसका किन चीजों पे अप्लाई होता है, हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में ये बात कर ली कि टेंजेबल हूँ या इनटेंजेबल, दोनों एसेट्स जो है, एसेट होते ही दो ही हैं, या तो वो टेंजेबल होते हैं या वो इनटेंजेबल होते हैं, तो दैट मीन्स के सादा लफ्जों में तकरीबन सभी के ऊपर अप्लाई होता है एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज, एसेट राइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसकी रीजन है इन्वेंट्रीज के लिए पूरा आईएएस है IAS 2, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई थिंक IAS 20 है, ठीक है, 11 है, अच्छा 11 है सॉरी, और डेफर्ड टैक्स जो है उसके लिए IAS 12 वो जी 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 इनकम टैक्स, इसी तरीके से एसेट्स अराइजिंग अंडर IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल एसेट विद इन द स्कोप ऑफ IAS 32, मतलब ये जिनके लिए अलग मौजूद हैं उनको तो ये नहीं छेड़ेगा, ठीक है, बाकी सारों के लिए ये करता है, लेकिन अब बंदा कहे कि IAS 16 डील करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, लेकिन ये उसको डील करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इम्पेयरमेंट का रूल नहीं है ये, तो ये बहरहाल इसका ये बेस्ट तरीका है कि आपको ये पांचों एक्सेप्शन जो है वो पता हूँ, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है, दिस इज बिकॉज दोज IAS ऑलरेडी हैव रूल्स रिकॉग्नाइजिंग एंड वेरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, नोट दैट IAS 36 डज नॉट अप्लाई टू नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल कौन से एसेट होता है, जिसको आप अपने यूज में से छोड़ दिया है किस्म का और आप मार्केट में उसको सेल आउट करना चाह रहे हो, ठीक है जी, उनको वो कहते हैं हम अलग से डील करते हैं, किस में जी, IFRS 5 में जी, वो भी आगे जाके हमारे सिलेबस में शामिल है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसको भी जी। की टर्म है जी आपकी इम्पेयरमेंट है और कैरिंग अमाउंट है, दोनों ही हमें पता है लेकिन पढ़ लेते हैं। अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, फॉल इम्पेयरमेंट लफ्ज ही नेगेटिव है, ये कभी भी पॉजिटिव मानो में नहीं आएगा। अ फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट
सो दैट इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट. ठीक है, ये है रीजन इसकी कि इसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है उसकी कैरिंग अमाउंट से कम है, तो लिहाजा हमें वैल्यू में कमी करनी पड़ती है. कैरिंग अमाउंट क्या है जी? वो वैल्यू जिसके ऊपर हम इसको बैलेंस शीट में अपने में लिखते हैं या एसओएफपी में इसको मेंशन करते हैं. जाहिर सी बात है इसमें से हम ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड जो आपके डेप्रिसिएशन है और इम्पेयरमेंट लॉसेज हैं वो हमने अपने हिसाब से निकाले हुए थे. मेरी बात सुने कि इम्पेयरमेंट लॉस लाजमी नहीं कि लाइफ में एक दफा ही हो, हो सकता है पहले भी आपने एक दफा रिव्यू किया था और ये भी मुमकिन है कि बाद में आप चीज को रिवैल्यू करो. दोनों बातों में से गुजरते हैं ना, दोनों टाइम में हम करते रहते हैं, तो इसलिए बाद में भी ये हो सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं कि चीज की कीमत में कमी हो रही है तो कमी होती चली जाएगी और इजाफा हो रहा है तो इजाफा ही होता चला जाएगा, ये कोई लाजमी असूल नहीं है. ठीक है जी. द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग IAS 36 इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ एन एसेट वैल्यू इन द अकाउंट इज हायर देन इट्स रियलिस्टिक वैल्यू जिसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं, दी एसेट इज जज टू हैव सफर्ड एन इम्पेयरमेंट लॉस. जो बात हम अभी ऊपर कह रहे थे कि भाई जो आपकी उसकी वैल्यू है इस वक्त मार्केट में या इन यूज जिसको आप रिकवरेबल अमाउंट बोलते हो, वो अगर उसकी कैरिंग वैल्यू से कम है तो इसका मतलब है कि जनाब एसेट जो है इम्पेयरमेंट लॉस हो चुका है. ठीक है, लिहाजा हमें उसको बकायदा रिकग्नाइज करना चाहिए उस लॉस को और इसको राइट ऑफ करना चाहिए. ठीक है जी. द मेन अकाउंटिंग इश्यू टू कंसिडर आर देयर फॉर आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि कब इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है, ये हमारा पहला स्टेप होगा. दूसरे नंबर पे रिकवरेबल अमाउंट को कैसे मेजर किया जाए, क्योंकि बच्चे एक चीज को हम मार्केट में लेने जाते हैं, एक बंदा हमें और रेट ऑफर करता है, दूसरा और रेट ऑफर करता है. ठीक है, ये जो लैपटॉप है इवन इसका मुझे 35,000 से लेके 45,000 तक फीसेंटर आपको ऑफर कर रहे हैं. ठीक है, सेम चीज का सेम स्पेक के साथ. ठीक है, तो आपकी मुराद क्या है रिकवरेबल अमाउंट से? ठीक है जी, और आप कितना अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं वैल्यू इन यूज का, कि जिस एक चीज आप इस्तेमाल में है. जो शर्ट मैंने पहनी हुई है मेरे लिए तो वर्थ है इसकी, मैं तो रोज इसके साथ ग्राउंड जाता हूँ. ठीक है, लेकिन क्या मार्केट भी इसको इतने पैसे देने को तैयार है? उन्होंने कहना है कि यूज दें, हम इसका पोचा भी बनाने को तैयार नहीं. हाउ शुड एन इम्पेयरमेंट लॉस बी रिपोर्टेड इन द अकाउंट्स? ठीक है, उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कुछ बातों का हम ऑलरेडी बेसिकली जान चुके हैं कि अकाउंट्स में कैसे पुट करना है वो तुम्हें पता है, राइट ऑफ करना है प्रॉफिट के अगेंस्ट. ठीक है जी. अच्छा एक बात बताएं, क्यों हम इसको जो चीज हमारी बैलेंस शीट में मौजूद चीज को कम करती है वो उसको हम क्यों अपनी जो है इनकम स्टेटमेंट उसमें ला के उसका इफेक्ट शो करते हैं? क्योंकि अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो उसी मतलब ईयर में अगर हो रहा है तो अगर हम इस तरह अगर हम उसको में से निकालेंगे तो हम लोग ट्रू एंड फेयर जो है ना, ये बात है, मकसद यही था कि क्योंकि फिजिकली हम किसी को पैसे को ही दे रहे हैं लेकिन हम अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि भाई जी नुकसान हमारा हुआ है जी. और यही बेसिकली अकाउंटिंग के जो ऊपर जो इतराजात है, हमें एक मेजर इतराज है कि इसमें बहुत सी बातें हैं, सारी सब्जेक्टिव है, फिर हमें ऐसे लग रहा है तो हमने ऐसे कर दिया. बिल्कुल. अच्छा, बड़ा लोचा है. मैं आज शॉक्ड हो गई हूँ, जिस कंपनी में फर्म में मैं काम करती हूँ मुझे नहीं लगता वो 32,000 साल का कमाता होगा, लेकिन उसने अपना प्रॉफिट 32,000 शो करवाया. आई वाज जस्ट शॉक्ड. बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए. वही ना. अच्छा आए जरा, आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियली इम्पेयर्ड एसेट. आपको पता कैसे चले कि ये एसेट इम्पेयर हो चुका है या इसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहिए? एन एंटिटी शुड असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड. पहली बात तो यह कि जब भी आपका साल खत्म होता है, वो उलमा अगर कहते हैं ना कि रात को सोते वक्त अपना मुहासबा किया करो कि मैं सुबह उठा मैंने क्या क्या किया, फलां जगह गया, क्या मैंने हक अदा किया, खाना खाते वक्त मेरी तकदीर वगैरह वगैरह. ठीक है, तो जब आपका भी साल खत्म होता है ना जी, तो आप भी अपने सारे एसेट्स को, जैसे एक जानवरों वाला जो है ना वो रात को सोने से पहले सारे अपने जानवरों को एक दफा देख के आता है कि फिजिकली फिट हैं, कोई इवन वो उनको इस हद तक पहचान होती है कि ये खा ठीक से नहीं रहा, ये बोल ठीक से नहीं रहा, ये बैठा गलत हुआ है. ठीक है, तो क्यों उनकी वो रोजमर्रा जिंदगी है ना, उनके वो एसेट्स हैं, तो उन्हें आइडिया हो रहा होता है कि कब कोई जानवर बीमार है, मैं और आप शायद उसको देख के बता ना सकेंगे.
तो आपके पास भी आपको भी आइडिया होना चाहिए कि आपका जो एसेट है वो करंटली कहाँ पे है, कितने पानी में है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी अप्लाइज एंड ऑनली मटेरियल इम्पेयरमेंट नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड. बहुत ज्यादा है तो जिसको बताया जा सके मटेरियल हो बात, तो तभी आप इसको करें आइडेंटिफाई. वैसे ये नहीं कि आप कहेंगे वैसे तो सोफा बेहतरीन है लेकिन इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने. इफ देयर आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉसिबल इम्पेयरमेंट द एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक फॉर्मल एस्टिमेट ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट कंसर्न. ठीक है, अगर पॉसिबल इम्पेयरमेंट के आपको नजर आ रहे हैं, इंडिकेशन मौजूद है सारी, ठीक है, इन द एंड के साथ क्या करोगे कि आप बाकायदा रिकवरेबल अमाउंट का एस्टिमेट लगवाओगे. इसकी रीजन है कि आपकी हर दफा बैलेंस शीट में बताना होता है कि करंटली हमारा एसेट कितने का है. आप मर्जी से कोई नहीं कह सकते लो जी हमारी तो ये जो मशीन है करोड़ों रुपए की है, करोड़ों छोड़ों कोई नहीं है. आपने उसकी मार्केट के हिसाब से बात करनी है, हो सकता है वो अरबों की हो, लेकिन अगर मार्केट के तो दाम भी. IAS 36 सजेस्ट्स हाउ इंडिकेशन ऑफ अ पॉसिबल इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट माइट बी रिकॉग्नाइज्ड. जी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. मार्केट वैल्यू गिर गई, आपके पास जनाब तोशिबा का एक बेहतरीन मॉनिटर पड़ा हुआ था, पता चला कि आपने लिया था भले वक्तों में 40,000 रुपए का, ठीक है, कोई 10 साल पहले, और आप उसको जो है ना सालाना बेस पे, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक चल रहा था तो बड़ी थोड़ी उसके ऊपर आप कर रहे थे जो है डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो वो जो 40,000 की चीज है ना उसको ओवर 10 ईयर्स आप हर साल 1,000 रुपया बल्कि आप 2,000 कह लो आप उसको रिपेयर करते गए हो, ठीक है, करंटली वो आपके हिसाब से 20,000 रुपये का होना चाहिए था, लेकिन आप मार्केट में जाते हैं आपको पता चलता है कि भाई वो 17 इंच का था, मुझे तो 19 इंच की जो LCD है वो 8-10,000 रुपये में नहीं मिल रही है, तो उसको तो वो लेने को तैयार नहीं है. ये अब आपके यूज में वो जरूर मौजूद है लेकिन उसकी मार्केट में वर्थ ही कोई नहीं है, ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करते रह सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको 20,000 रुपये रिकॉर्ड नहीं कर सकते जितने भी आपने उसको रिकॉर्ड किया. तो आपको इंडिकेटर कौन बना, मार्केट, ठीक है. अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द टेक्नोलॉजिकल मार्केट लीगल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस अलाउड है आपको कि आप इंडिया से चीजें मंगवा लें और इंडिया में चीजें भेज दें. वो प्रोडक्ट जो है वो ऐसी है कि वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर यूजर्स हैं जो कि फर्ज करें इंडिया में ही यूज करते हैं. आप बना रहे हो वो चीज, अच्छा, आपकी गवर्नमेंट जब पाबंदी लगा देती है तो आज के बाद इंडिया के साथ हमारा कोई जो है लेन देन नहीं है, ठीक है, सियासी हालात के पेश नजर. अब फौरी तौर पे आपके वो जो पर्टिकुलर मशीन थी जिससे वो चीज बनती थी उसकी वर्थ जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, उसकी डिमांड कोई नहीं है, ठीक है. एन इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स, या इसकी एक और एग्जांपल है लाइक ये आप कह लो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं, एक मुल्क में अलाउड है, आपका कारखाना आपको अलाउड है, आप बेशक बनाते रहे धमाका खेत मवाद आप बनाते रहे, बाद में कानून चेंज हो जाता है. टेक्नोलॉजी कल अभी बात हमने इससे पहले की मॉनिटर की और LCD की, ठीक है. अच्छा, एन इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट और मार्केट रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइकली टू अफेक्ट द डिस्काउंट रेट यूज इन कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज, ठीक है. जब भी बच्चे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो चीजों की जो वर्थ होती है उसमें कमी आ जाती है, इसी को बेसिकली इन्फ्लेशन कहा जाता है ना. जितने बैंकों में आपको सूद का रेट ज्यादा देना पड़ता है उतनी ही बेसिकली मुल्क में ज्यादा उस वक्त इन्फ्लेशन होती है, फितरी तौर पे है, ठीक है जी. क्योंकि अमीर अमीर तार हो रहा होता है तो चीजें ज्यादा खरीदता है, चीजें ज्यादा खरीदता है तो फिर वो मार्केट में वो महंगी होती चली जाती है, बिना वजह आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाती है प्राइस उनकी. द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट्स बीइंग मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है. इतना आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है नहीं है जितना आपने उसको मेंशन किया हुआ अपने नेट एसेट्स को, ठीक हो गया. थोड़ा सा F9 से रिलेट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फिलहाल जस्ट आप इसको पॉइंट करके ले लें. अच्छा, इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा तरीका. ये तो है एक्सटर्नल, ठीक है, इनके ऊपर आपका ना भी कंट्रोल था, जस्ट आपको इन रीजन की वजह से करना पड़ा. इंटरनल क्या है जी, एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस और फिजिकल डैमेज.
फिजिकल डैमेज तो वैसे नजर आ जाता है, और सारी सेंस ये होता है चीज आउट ऑफ यूज हो गई, आप उसका इस्तेमाल जो है वो उतना नहीं रहा। ठीक है, ये भी बेसिकली उसी से हमारी पहली एग्जांपल से रिलेट करती है बात, कि आपको खुद कोई लगता है आप एक काम करने लगते तो आप कहते हो इसमें तो ये फंक्शन ही कोई नहीं, मतलब पुराने लैपटॉप में ब्लूटूथ ही कोई नहीं थी, वाईफाई कोई नहीं था। ठीक है, तो आप उसको उसके साथ कैसे कनेक्ट करते, कोई ना कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़नी थी, फिर वो लेटेस्ट विंडोज के साथ कंपेटेबल नहीं था, अल्टीमेटली आपको पुराना लैपटॉप स्क्रैप करना पड़ा। ठीक है, सेम तरीके से आपकी मशीन जो डिजाइन बनाया करती थी वो आप मार्केट में चलते ही नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट मशीनें आ गई, लेजर प्रिंटिंग आ गई, बड़ा कुछ आ गया, तो आपकी वो चीज भी ऑब्सोलीट होगी। ठीक है, इसके अलावा उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वगैरह जो है ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको अंदाजा हो सकता है कि भाई इसकी वैल्यू में पहले से आप कमी हो गई है। इवन इफ देर आर नो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट द फॉलोइंग एसेट्स मस्ट ऑलवेज बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एन इंटेंजिबल एसेट विद एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ा कि बात चीजों की जो लाइफ होती है वो इनडेफिनेट होती है, आप इस्तेमाल कर रहे हो आपको क्या पता कि कितनी है, गुडविल की गैब्रियल कॉलेज के नाम की उम्र कितनी है कौन बता सकता है। ठीक है, तो वो इनडेफिनेट है, लेकिन अब मुझे कल एक टीचर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी फलां जगह पे हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फलां जगह पे हमें बड़ा बुरा रिस्पॉन्स मिला, वो किसी एडमिशन कैंपेन पे गए हुए थे। तो इन चीजों के अगेंस्ट आपने इन चीजों को चेक करते रहना होता है कि भाई आपकी जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको ना आप टच कर सकते हो ना देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल है, ये नाम है, कभी भले वक्तों में याहू का बड़ा नाम था, हार्डमेल का बड़ा नाम था, तो अब क्या वो कह सकते हैं कि हमारा उतना ही नाम है, उन्हें इसको चेक करना चाहिए क्योंकि वो इम्पेयर हो चुके हैं। ये ऊपर वाले एग्जांपल का हिस्सा ही है गुडविल, क्योंकि गुडविल आपका बेसिकली जो है वो इनटेंजिबल एसेट होता है और अमूमन इसकी लाइफ भी अमूमन इनडेफिनेट होती है। ठीक है, तो मसलन हायर की कितनी उम्र है, ये एचपी की कितनी उम्र है, डेल की कितनी उम्र है, ये तो कोई नहीं है सच, मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल पता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो जाती है। उन्होंने वो भले वक्तों में बनाया करते थे डेस्कटॉप, आप वो लैपटॉप बनाते हैं, बल्कि टेबलेट भी बनाते हैं, कल को कोई और टेक्नोलॉजी आएगी वो भी बनाएंगे, तो उनका नाम जो है वो ऐसा चांस कोई नहीं है कि वो खत्म हो सके। एक सेकंड।